हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या फिर से स्कूल एंड कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग कंटिन्यूअसली न्यूज़ में देख रहे हो कि न्यूज़ में आ रहा है कि अभी भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस फिर से बंद होने वाले हैं, क्योंकि एक नया जो वायरस कंटिन्यूअसली हमें सुनाई में दे रहा है कि बहुत सारे केसेस फिर से इंक्रीज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके वजह से कुछ दिन पहले न्यूज़ रिपोर्टर्स और न्यूज़ मीटिंग हुई थी वर्षा गायकवाड़ मैडम के साथ। वहाँ पे गायकवाड़ मैडम ने बताया कि शायद फिर से स्कूल एंड कॉलेजेस बंद होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, ये सब वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर अभी वो 100% श्योर नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस फिर से बंद होने वाले। लेकिन यहाँ पे अभी कैसा हो चुका है कि जो 10th 10th 12th के बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब जो कॉन्फ्रेंस हुआ है वहाँ पे वर्षा गायकवाड़ मैडम ने बोला है कि शायद फिर से स्कूल कॉलेजेस बंद हो सकते हैं। अभी डिसीजन चालू है क्योंकि जैसे केसेस बढ़ रहे हैं ओमनिकॉन के, और प्लस कोविड तो केसेस कम होते जा रहे हैं लेकिन एक नया जो वायरस है ओमनिकॉन अभी ये इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। जैसे कि दिल्ली में अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू द महाराष्ट्र उसमें केसेस ज़्यादा है। तो इसके वजह से अगर दिल्ली में जो भी डिसीजन होता है सेम वही डिसीजन यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है। तो अब जो दिल्ली एंड महाराष्ट्र है वहाँ पे रिपोर्ट पाया जा रहा है कि 54 से 213 केसेस इंक्रीज़ हो गए, यानी कि अभी भी केसेस इंक्रीज़ हो रहे डे बाई डे। अभी ये जो वायरस है इसके वजह से कैसा होगा कि आने वाले टाइम में फिर से शायद लॉकडाउन भी हो सकता है। ठीक है, जिसके वजह से स्कूल कॉलेज तो बंद तो होंगे ही, बाकी जितने भी अदर फैसिलिटीज़ थी वो भी शायद बंद हो सकती है। तो शायद ये प्रॉब्लम एक फिर से आ सकती है। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे आपके न्यूज़ जो थे, ठीक है, ओमनिकॉन केसेस के उसको भी डिस्कस किया गया था। देखिए, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हम उस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये डिस्कस होंगे स्कूल कॉलेजेस में क्योंकि ज़्यादा बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे और कम एज के बच्चे होते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी लेस देन जो कम एज के बच्चे होते हैं उनकी भी स्कूल कॉलेजेस चालू हो गए हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि बच्चों में अगर ये वायरस आ गया तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये धीरे धीरे फैलते रहेगा फिर। तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि ये डिजीज़ को माइंड में रखते हुए हम डिसीजन लेंगे, एक फेयर डिसीजन लेंगे सोसाइटीज़ के लिए, स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए। तो गाइस, यहाँ पे जो महाराष्ट्र स्कूल्स है देखिए वो शायद फिर से बंद हो सकता है। ठीक है, इसका रीज़न वही है कि ओमनिकॉन केसेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है लेकिन कंफर्म कोई नहीं बता रहा है कि बंद होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो स्कूल कॉलेजेस जस्ट खुले, दिसंबर में 1st टू 7th के कॉलेजेस स्कूल ओपन किए गए। ठीक है, और उससे पहले कि अक्टूबर नवंबर में जो आपके कॉलेजेस थे 10th एंड 12th के स्कूल थे 9th 8th 9th 10th के उसके ओपन किए गए थे। तो अभी तो कोई भी नहीं चाहता कि फिर से ये बंद हो जाए, यानी कि फिर से स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि बच्चों लोग को फिर से घर के अंदर बैठना पड़ेगा। और जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो एजुकेशन के तरफ माइंड था वो पूरा डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है, अब उनका माइंड डाइवर्ट होकर सोशल मीडिया पे जा रहा है, गेमिंग पे जा रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे आई थिंक अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनका फ्यूचर भी एकदम बोलते हैं ना कि ब्राइटनेस पे भी नहीं जा रहा है क्योंकि वो एजुकेशन के लिए उनका प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, उनका माइंड वहाँ पे लगेगा ही नहीं। ऑब्वियसली 2 साल का गैप हो चुका है, अगेन फिर से कुछ हुआ तो फिर से एक गैप आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आने वाले टाइम में। और जैसे कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाले हैं HSC एंड SSC के, उसमें भी हाफ एन आवर इंक्रीज़ कर दिया गया है। क्यों? इसका रीज़न ये था कि राइटिंग स्पीड, बच्चों लोग का राइटिंग स्पीड क्या इंक्रीज़ नहीं है क्योंकि 2 साल का गैप है, उन्होंने 2 साल में कुछ लिखा ही नहीं है। इसके वजह से जो उनकी राइटिंग स्पीड है वो कम हो गई है, इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ मैडम ने हाफ एन आवर इंक्रीज़ किया हुआ है। अगर 3 घंटे का पेपर है, अगर 2 घंटे का पेपर है तो 15 मिनट इंक्रीज़ किया गया। लेकिन क्या उससे भी कोई बेनिफिट होगा? अगर जिसका स्पीड ही नहीं है तो ऑब्वियसली उसका हाफ एन आवर का भी कोई नीड मतलब ही नहीं होगा, कोई मीनिंग ही नहीं आएगा यहाँ पर। लेकिन अभी जो केसेस जो चालू है ओमनिकॉन के, अभी देखो अगर आने वाले टाइम में केसेस ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली स्कूल एंड कॉलेजेस फिर से बंद किए जाएंगे। ठीक है, और जो आपका एजुकेशन था वो ऑनलाइन ही चलेगा। ठीक है, तो उससे तो कोई बेनिफिट तो होगा नहीं क्योंकि ऑनलाइन चलने पे कैसा होता है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर सुनते हैं और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लेक्चर ही नहीं सुनते। लेकिन इसमें कैसा दोनों का नुकसान है, टीचर का भी और बच्चे का भी, क्योंकि टीचर फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है।
और बच्चे भी टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनका डाउट क्लियर नहीं हो पाया और टीचर को क्या सिखाना है वो उनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑनलाइन जब तक हम किसी को देखते ही नहीं है तो ऑब्वियसली हम उनको क्या ओपिनियन देंगे, क्या सजेशन देंगे और टॉपिक को किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे ये हमें को नहीं पता। टीचर ने जो सिलेबस प्रिपेयर किया हुआ है उसको सिर्फ एक्सप्लेन किया जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है, और बच्चे बस उसको सुन के समझ के बस उतनी कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे। अब पेपर में हाफ एन आवर इंक्रीज़ हो या एक घंटा इंक्रीज़ हो, जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम पेपर में क्या लिखेंगे पता नहीं, ठीक है। तो गाइस मैं तो बोलता हूँ बेसिकली कि आप अपने पहले हेल्थ पे ध्यान दो, जो भी होगा आगे चल के लॉकडाउन होगा या कुछ भी होगा, लेकिन पहले अपनी प्रायोरिटी रखो हेल्थ, क्योंकि गवर्नमेंट भी बोलता है कि हेल्थ अगर प्रॉपर रहेगा, हेल्थ सेफ होगा तो ऑब्वियसली हम आगे का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं सोसाइटी के फेवर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ में लिखा हुआ है कि 14 लाख केसेस अभी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, या हुए हैं। तो ये एक तरीका का डेंजरस बेल है, एक नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सोचने की बात ये है कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि सबको 2 डोज लेना है कोविड के, क्योंकि आगे चल के जो कोविड के केसेस हो शायद कम हो जो, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऑब्वियसली लेस देन 18 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया ही नहीं है, और 16 दिसंबर से प्राइमरी बच्चे के क्लासेस चालू हो गए, स्कूल चालू हो गए। तो अभी जो बच्चे लोग हैं ऑब्वियसली उनका तो वैक्सीनेशन तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि उनके लिए वैक्सीनेशन आया ही नहीं। एंड जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका एज लेस देन 18 है, तो उनके भी वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, और टीचर्स भी ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके सेकेंड डोज भी नहीं हुए रहेंगे। तो अभी सोचने की बात ये है कि अगर वैक्सीनेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, फिर भी स्कूल कॉलेजेस चालू है। एंड सेकेंड थिंग, एक तो डेंजरस बेल ये आ गया है कि अपना दूसरा वायरस जो ओमिक्रॉन है उसकी वजह से तो और प्रॉब्लम आगे आने वाली है। तो ये सब जो बहुत बड़े इश्यूज़ है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर रही है, उस पर ध्यान रख रही है ताकि आगे चल के सोसाइटी को कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए न्यूज़ में अभी जो कंटिन्यूसली न्यूज़ चालू है कि शायद स्कूल कॉलेजेस फिर से बंद होंगे, लेकिन वेट करते हैं कि कब तक ये डिसीजन आएगा कि स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे या कुछ और रास्ता निकाला जाए, कुछ और एडवाइस की तरफ से या कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर करके ये पता किया जाए कि जहाँ पे केसेस है उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो अभी जो भी डिसीजन होगा ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेड है, लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आ रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स क्लेम 3073 स्कूल डू बिना सट गवर्नमेंट डिनाई, ठीक है, यानी कि बच्चे क्लेम तो कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद करें लेकिन गवर्नमेंट अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। महाराष्ट्र स्कूल में सट अगेन इफ ओमिक्रॉन केसेस कंटिन्यू टू बी रेज, ऐसा वर्षा गायकवाड़ मैडम का बोलना है, ठीक है, जो कि न्यूज़ 18 में आया हुआ है। नेक्स्ट वन कि सेम वही दिया हुआ है कि महाराष्ट्र स्कूल टू बी ए सट अगेन, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, क्या केसेस इंक्रीज होंगे, ठीक है, और केसेस इंक्रीज होंगे तो क्या क्या इफेक्टेड होंगे वो हमें मालूम है क्योंकि हमने कोविड में देख लिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आर्टिकल देख रहे हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मे क्लोज स्कूल इफ़ केस रेस से एजुकेशन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आप हर एक न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स अगर रीड करोगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही कुछ मिल जाएंगे, और न्यूज़ चैनल में भी समथिंग कुछ ऐसे चालू है। तो देखते क्या होता है, स्कूल कॉलेज फिर से बंद होंगे कि नहीं होंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।